हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित सारडा है और इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस डिफरेंसेस इंड एएस 116 वर्सेस एएस 19 लीजर्स। नया नया स्टैंडर्ड आया इंड एएस 116, तो हम बोल सकते हैं कि कमिंग अटेम्प्ट में अश्योर्ड क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क का। थियरी प्रैक्टिकल आप लोगों को नहीं पूछा जाता, तो प्रैक्टिकल का टेंशन मत लीजिए। तो क्या कवर्ड है अच्छे से समझ लीजिए, 4 मार्क अश्योर हो जाएंगे। रटने की कोशिश मत कीजिएगा। नोट्स में जो यूज़ कर रहा हूँ वो ICIFR न्यू सिलेबस की बुक से है, तो आपको BOS नॉलेज पोर्टल के अंदर मिल जाएंगे, या फिर मेरे हिसाब से आपको भी ये प्रोवाइड कर दिए गए होंगे ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को, मोस्टली RTP वगैरह के अंदर। आई हैव नॉट चेक द RTP, हो सकता है वहाँ पर कवर्ड हो। आइए समझने की कोशिश करते हैं वॉट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। पहली बात करते हैं डेफिनेशन की। सेम है दोनों, एक फर्क है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने किसी को जॉब वर्क पे काम दिया, आपने उसको बोला भाई तेको ये मेरा पूरा का पूरा काम कंप्लीट करके देना है। लेट से पार्ले किसी को बोल रहा है भैया तेरे को बिस्किट बनाने हैं पूरे के पूरे, आने वाले 6 साल तू मेरे लिए बिस्किट्स बनाएगा, 6 साल तक तेरी फैक्ट्री के अंदर में जो भी काम होगा ये पूरा का पूरा सिर्फ मेरी बिस्किट बनेगी और कोई भी बिस्किट तू नहीं बनाएगा, तेरी मशीन्स पूरी की पूरी डेडिकेटेडली मेरे इसमें ही चेक होगी, मटेरियल मैं जो बोलूंगा तुझे वही खरीदना है, हम बीच बीच में आके इंस्पेक्ट करेंगे, हम बताएंगे कब कितना लॉट बनाना है, कैसे बनाना है, एवरीथिंग विल बी अंडर आर गाइडलाइंस। कहानी सुन के लगता है जॉब वर्क है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है ये लीज नहीं है, दिस इज जॉब वर्क, हमको क्या लेना देना इससे। पर इंड एएस बोलता है नहीं, वो पूरी फैक्ट्री आपके गाइडलाइंस पे चल रही है, आपके कंट्रोल पे चल रही है। क्या सामने वाले का ऑप्शन है कि वो प्रोडक्शन इस फैक्ट्री को छोड़ के किसी और फैक्ट्री में करवा ले? मोस्टली नहीं। अगर नहीं है तो इस फैक्ट्री को तो बेसिकली वही बंदा कंट्रोल कर रहा है जिसने गाइडलाइन दी है, भैया ये जॉब वर्क नहीं है, ये लीज है, ये लीज है। यहां कंट्रोल का डेफिनेशन चेंज हुआ है इंड एएस 116 और एएस 19 के बीच में। समझ में आया पहला वाला पॉइंट? ठीक है, क्या बोलता है, अगर किसी फैक्ट्री में कंट्रोल आपका चल रहा है, कंट्रोल ही आपका चल रहा है, तो देखा जाएगा कि वो फैक्ट्री भी आपको लीज पे दी गई है। क्लियर? दूसरा, हमने एक लीज किया, इनिशियली हमने एक लीज कॉन्ट्रैक्ट किया, लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो नेचर है ना, ऐसा लग रहा था कि ऑपरेटिंग लीज है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने एएस 19 पढ़ा है, तो ये ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज वर्ड समझ में आएंगे, नहीं तो बोलोगे पता नहीं क्या है ये, तो भाई डिफरेंस भी नहीं समझ में आएंगे अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े हैं। तो हमने उसका नेचर देखा ऑपरेटिंग लीज, कुछ साल बाद ये लीज के टर्म्स को मॉडिफाई किया गया और अब मॉडिफाइड टर्म्स के हिसाब से ये फाइनेंस लीज बन जाता है। तो आपको अकाउंटिंग कैसे करना है? एएस में कोई गाइडलाइन नहीं है, मतलब ओरिजिनल जो लीज टर्म है तब से ही रिवाइज करना है या जब मॉडिफाई हुआ तब से उसे नया लीज मानेंगे? कोई गाइडलाइन नहीं दी हुई है। जब कोई गाइडलाइन नहीं दी है तो आप क्या करोगे? आप मान लोगे कि नई लीज है, ठीक है ना? जब कोई गाइडलाइन नहीं दी है आप अपने हिसाब से काम करोगे? इंड एएस बोलता है नहीं, अगर बाद में टर्म मॉडिफाई होने के कारण नेचर चेंज हो रहा है तो नेचर का चेंज इंसेप्शन से देखो। इंसेप्शन मतलब ओरिजिनल लीज जब हुआ था ना तब से देखो क्या नेचर चेंज हो रहा है, ऑपरेटिंग से फाइनेंस, फाइनेंस से ऑपरेटिंग, क्या नेचर चेंज हो रहा है। तो इंड एएस 116 आपको कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन देता है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, जो एएस नहीं देता। आपको क्या याद रखना है, एएस में गाइडलाइन नहीं है मॉडिफिकेशन की, इंड एएस में है। समझ गए? स्कोप, लैंड लीज हमने एक्सक्लूजन में पढ़ा, इंड एएस बोलता है कोई एक्सक्लूजन नहीं, लैंड लीज को भी हम हमारे स्कोप के अंदर कवर करते हैं। समझ में आया? लीज की शुरुआत कब से होती है? एक डेट होता है इंसेप्शन, एक डेट होता है कमेंसमेंट। इंसेप्शन वो डेट होता है जिस दिन एग्रीमेंट होता है, रेंट स्टार्ट नहीं हुआ, आज से 3 महीने बाद रेंट स्टार्ट करेंगे, एग्रीमेंट आज कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रहता है ना कुछ कंस्ट्रक्शन है, आपको सामने वाले को इलेक्ट्रिक फिटिंग, टाइल्स, पेंटिंग वेंटिंग सब करवा के देना है, आपको भी अपना फर्नीचर वगैरह सब कुछ लाना होगा, ऑफिस का काम वाम करवाना होगा, तो एग्रीमेंट होता है उसके अगले दिन से किराया नहीं शुरू हो जाता, थोड़ा टाइम लगता है। जिस दिन से किराया शुरू हुआ वो डेट हुआ कमेंसमेंट। एएस में इन दोनों में कोई बाइफर्केशन नहीं दिया है, इंड एएस देता है, दोनों डेफिनेशंस में बाइफर्केशन देता है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक के स्कोप के डिफरेंसेस डिफाइंड है। बढ़े आगे, बस इतना याद रखिए, लैंड लीज स्कोप में कवर्ड है इंड एएस में, एएस में नहीं है। कमेंसमेंट इंसेप्शन का डिफरेंस दिया हुआ है इंड एएस में, एएस में नहीं दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन एलिमिनेट्स रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लीज एज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। आप लीज लेसी को 2 पार्ट से डिफाइन करते हो, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, बराबर। लेसर के लिए भी 2 डिफाइन करते हो, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। इंड एएस बोलता है कोई ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस नहीं होता लेसी के लिए, लेसर के लिए दोनों सेम, लेसर के लिए दोनों सेम, लेसी के लिए कोई ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज नहीं होता, सब एक जैसे ही लीज होते हैं और एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफाइंड है। कौन सा? फाइनेंस लीज वाला। आप
एक साल तो कम पीरियड है, एक्सेप्शन दिया हुआ है, 2 साल का पीरियड का आप लीज कर दीजिए। फाइनेंस लीज में जैसे अकाउंटिंग करते हो ना, वैसे ही अकाउंटिंग करना है 2 साल की लीज के लिए भी। भली एसेट की लाइफ 30 साल होगी, 100 साल होगी, 2 साल के लीज को भी हम लोग फाइनेंस लीज के जैसे अकाउंट करेंगे। लैंड ले लो आप लीज पे 2 साल के लिए, फाइनेंस लीज की जैसे अकाउंटिंग होगी। फाइनेंस लीज में क्या होता है, एसेट दिखाते हो, लाइबिलिटी दिखाते हो, ध्यान में आ रहा है? वैसी अकाउंटिंग डिफाइंड है इंड एएस के अंदर। एएस में ऐसा नहीं है, इंड एएस में ऐसा, यानी प्रैक्टिकली जब आप मार्केट में काम करने जाओगे तो यही होगा। तो डिफरेंस क्या है, फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज डिफाइंड है, इंड एएस में अलग अलग डिफाइंड नहीं है, लेसी के लिए, लेसर के लिए सेम है दोनों, ठीक है। सेल एंड लीज बैक, ये मैं समझा नहीं पाऊंगा इंड एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। एएस के पॉइंट से समझ लो, एएस में क्या बोलते हो, एक एसेट का होता है कैरिंग अमाउंट, उसके ऊपर होता है फेयर वैल्यू, और अगर हमारा जो लीज का अमाउंट है, सेल प्रोसीड्स जो है, वो कैरिंग अमाउंट के ऊपर है या कैरिंग अमाउंट के नीचे है, तो कैरिंग अमाउंट के ऊपर या कैरिंग अमाउंट के नीचे, ये डिफरेंस को आपको डेफर करना पड़ता है कुछ केसेस में। कुछ केसेस में कैरिंग अमाउंट के ऊपर आया हुआ पैसा या नीचे आया हुआ पैसा हम डेफर करते हैं ओवर द लीज पीरियड, डेफर करते हैं ओवर द लीज पीरियड, किस रेशियो में, डेप्रिसिएशन के रेशियो में, बराबर। ये बोलता है एएस, अगर याद आ रहा होगा तो ठीक, नहीं याद आ रहा होगा तो यही बोलता है भाई एएस, ठीक है। किस कैरिंग अमाउंट के ऊपर या नीचे कुछ मिला है, कुछ केसेस में ये अमाउंट को डेफर कीजिए लीज पीरियड में, लीज पीरियड में इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेल एंड लीज बैक, हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या बोलता है, वो बोलता है सेल एंड लीज बैक है, और अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा पैसा मिला है, सेल एंड लीज बैक फेयर वैल्यू से ज्यादा पैसा मिला है, तो पहले तो कोई देगा नहीं, अगर दिया है तो उसे लोन मान लो, फेयर वैल्यू के ऊपर मिला है तो लोन मान लो, फेयर वैल्यू के ऊपर मिला है लोन मान लो, फेयर वैल्यू तक, फेयर वैल्यू तक इसकी अकाउंटिंग 116 में नहीं 115 के हिसाब से कीजिए। 115 क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड है। सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे कहाँ चला गया, लीज की इनकम मिल रही है ये तो रेवेन्यू ही हुआ, लीज की इनकम मिल रही है तो रेवेन्यू ही हुआ। सर ये तो लेसर के पॉइंट से हुआ, लेसी के पॉइंट से भी उन्होंने बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वहीं से उठाओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वहीं से उठाओ। वो बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट है, जो एसेट तक की वैल्यू है अगर उससे रिलेटेड कोई रेंटल वगैरह मिल रहा है तो रेंटल को आप अकाउंट करेंगे एज रेंटल इनकम लेसर लेसी। मैंने आपको कहा था लेसी के लिए फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज बाइफर्केशन नहीं है, अपने बुक्स में दिखाता है एसेट। मतलब क्या, मैंने आपको एसेट लीज पे दिया, एसेट मेरा है, आपको बेचा, मैंने आपको एसेट बेचा, एसेट मेरा था अब आपका हो गया, आपसे लीज पे ले लिया, आपसे लीज पे ले लिया, मेरा एसेट मेरे पास ही पड़ा है, आपके पास तो आया नहीं, पहले बेचा फिर लीज पे ले लिया, मेरा एसेट मेरे पास ही पड़ा है, कुछ समय और यूज करूंगा, मेरे बुक्स में मैं दिखाऊंगा राइट टू यूज एसेट, राइट टू यूज एसेट यानी वो फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, लीज एसेट लीज लाइबिलिटी दिखाते हो एएस में, फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग वैसे ही उतने अमाउंट के ऊपर मैं मेरे बुक्स में एसेट दिखा दूंगा। फेयर वैल्यू के ऊपर जो पैसा मिला है वो मान लूंगा कि लोन मिला है, वो मान लूंगा कि लोन मिला है। सर फेयर वैल्यू के नीचे मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो वही अकाउंटिंग गाइडलाइंस यहां पे समझाइए, वो बोलता है अगर ये 115 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्निशन की क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो इसकी अकाउंटिंग 115 के हिसाब से होगी, वही बात बताई हुई है, इससे ज्यादा ये एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लीज से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट की गाइडलाइंस दी हुई है आपको इंड एएस में, एएस में एज सच नहीं दी है। एएस में आप क्या करते हैं, अगर फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज और ऐसा कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगा है, तो उसको जो आपका इंटरेस्ट रेट रहता है, जो रेट से आप डिस्काउंट कर रहे हैं, वो रेट में एडजस्ट करते हैं, ध्यान रखिए वो रेट में एडजस्ट करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के जैसे वहां पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग लीज है और कोई इनिशियल लीज कॉस्ट लगा है तो वो इनिशियल लीज कॉस्ट को कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट में एडजस्ट कर देते हैं। वो देखो वहां पे जो पॉइंट लिखा है, पहला, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज अकाउंटिंग इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली इन फाइनेंस लीज रिसीवेबल। आपने इंटरेस्ट रेट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया ताकि आपका इम्प्लिसिट रेट एडजस्ट हो जाए। और ऑपरेटिंग लीज के केस में एडेड टू कैरिंग अमाउंट ऑफ द लीज एसेट एंड रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस ओवर द लीज पीरियड, लीज पीरियड के समय उसको एक्सपेंस बुक कर देंगे। इंड एएस बोलता है या तो एक्सपेंस दिखा दो या फिर एडजस्ट कर दो आपके इनकम में, आइदर रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इमीडिएटली और एलोकेट अगेंस्ट द फाइनेंस इनकम। वही चीज नीचे भी दी हुई है, डेफर्ड इनकम में उसको एडजस्ट कर दीजिए। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड इंड एएस थोड़ी बहुत गाइडलाइन देता है, एएस में गाइडलाइंस अलग है, गाइडलाइंस अलग है, ठीक है। प्रेजेंटेशन इम्पैक्ट, ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप एक एसेट को लीज में
हमेशा फाइनेंस लीज अकाउंटिंग करोगे, हमेशा फाइनेंस लीज, तो एक लीज एसेट बनेगा, एक लीज लाइबिलिटी बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। वो बोलता है प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे भी है, पीएनएल पे भी है, नोट्स टू अकाउंट्स में भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल लीज मॉडल, आप ड्यूअल लीज मॉडल देखते हैं, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, ये लोग बोल रहे हैं सिंगल लीज मॉडल, सिंगल लीज मॉडल। देर आर मेनी चेंजेस इन प्रेजेंटेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, तीनों पे इंपैक्ट आया। हमारे इसमें ऑपरेटिंग लीज मानते हो तो बैलेंस शीट में सिर्फ वो एज सच इंपैक्ट नहीं आता, अनलेस रेंटल अलग अलग अमाउंट का और आपने स्ट्रेट लाइन किया, स्ट्रेट लाइन। तो अगर एएस पढ़ा होगा तो मेरा वर्ड समझ में आ रहा होगा, एएस 19 पढ़ा होगा तो ठीक है। डिस्क्लोजर्स ऑब्वियसली बात है इंड एएस में ज्यादा, एएस में कम। फाइनेंस लीज है तो प्रेजेंटेशन ऑल टुगेदर दोनों का सेम रहेगा, फाइनेंस लीज में प्रेजेंटेशन इश्यूज नहीं है। इंड एएस के अंदर में लेसी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग टाइप का बनता है। आई होप यहां तक के क्लियर होगा। चलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ऑल द बेस्ट।